तो दोस्तों, जिसका भी सब्री से इंतज़ार था, आखिर वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड क्लास का रिजल्ट आ चुका है, तो आज मैं आपको अपने मोबाइल में ही एक एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप 10वीं, 12वीं, 11वीं, 8वीं और 5वीं क्लास का रिजल्ट चेक कर सकते हो, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से। तो चलिए मैं वो एप्लीकेशन बता देता हूँ, क्या है वो एप्लीकेशन। तो देखिए, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है फास्ट रिजल्ट। देखिए, 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट, ऑल बोर्ड रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार से एप्लीकेशन है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको ओपन। तो देखिए, जैसे ये ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे है, सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। 10th है, 12th है, 11, 8, 5 और भी बहुत कुछ है नीचे, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, फिलहाल तो मैं आपको अपना रिजल्ट बताता हूँ इस एप्लीकेशन से कैसे देखते हैं। अगर आप 12 के हो तो 12 में आप चेक कर सकते हो, 12th का मैं 10th का चेक करता हूँ। तो मैंने किया इस पे क्लिक, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे स्टेट आपको दिखाई देंगे। तो आप चूज करते हो आप किस स्टेट से हो। तो मैं अपना स्टेट चेक कर लेता हूँ, इसमें सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, गुजरात, बिहार, हरियाणा, झारखंड, तो कहाँ गया मेरा, मध्य प्रदेश, ये रहा मेरा एमपी बोर्ड। तो वैसे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा है चेक रिजल्ट, तो मैं चेक रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैंने चेक रिजल्ट पे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना पड़ेगा और अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर। अगर आपको पता नहीं है कि एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, तो अपने प्रवेश पत्र में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मैं फटाक से यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के व्यू रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने व्यू रिजल्ट पर क्लिक किया तो आपके सामने आपकी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, आपकी कौन सी क्लास है, कौन सा सन है, और स्कूल का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट नाम, और आपने कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं, सारे के सारे यहाँ पे आपको बता देगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टोटली, ठीक है। और आप थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसा करोगे इसको, तो इस साइड आपका पूरा का पूरा ये बायोडाटा मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो अपने मोबाइल में घर बैठे कि मेरा रिजल्ट क्या है, ठीक है। और फिर आप देख के अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके किसी को भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, या ब्लूटूथ से, या किसी और को, या गूगल ड्राइव में, ईमेल, जीमेल, जो भी है आपके पास, आप उसको भेज सकते हो। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपना रिजल्ट पता कर सकते हो 10वीं और 12वीं वालों का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।